It's uh, also the Prime Minister's big push in Karnataka with a pep talk to his karyakartas. Uh, 50 lakh karyakartas interacted with the Prime Minister virtually. So through 58,000 booths uh, is how the BJP workers joined in that virtual interaction with the Prime Minister. The Prime Minister went on to say that the opposition party only wants to come to par, But how the BJP actually wants to make India a developed nation. Listen in. BJP and other party have the biggest difference approach. बीजेपी आने वाले 25 साल में विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है आप देखें हमारे जो विरोधी हैं उनका क्या एजेंडा है उनका एजेंडा है सत्ता हथियाना हमारा एजेंडा क्या है 25 साल में देश को विकसित बनाना गरीबी से मुक्त बनाना नौजवानों के सामर्थ्य को सबसे आगे बढ़ाना आने वाले 25 साल में कर्नाटका की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए बीजेपी एक युवा टीम का निर्माण कर रही है डबल इंजन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है और उसका सीधा और साधारण मतलब है विकास की डबल रफ्तार बीते नौ वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वहां वहां गरीब कल्याण की योजनाएं तेजी से जमीन पर उतरी है हर घर जल योजना में कर्नाटका देश के अग्रणी राज्यों में है क्योंकि यहां भी भाजपा सरकार है वहां भी भाजपा सरकार है कांग्रेस की झूठ की रेवड़ियों का पर्दाफाश करने के लिए आपको कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों की सच्चाई भी लोगों को बतानी होगी और आपको इस सारा नेट पर देखोगे तो मिल जाएगा आंकड़ों के साथ मिल जाएगा हिमाचल के लोग अभी अभी चुनाव हुआ है ना एक साल हो गया हिमाचल के लोग आज तक कांग्रेस की गारंटी पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं वादे किए किया कुछ नहीं राजस्थान के लोग भी कांग्रेस की गारंटी पर आज आंदोलन कर रहे भाई क्या हुआ सरकार का चार साल बीत चुका अभी तक गारंटी गारंटी रह गई कांग्रेस मतलब झूठ की गारंटी कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी कांग्रेस मतलब भाई भतीजावाद की गारंटी कांग्रेस अब उस स्थिति में है जब वो ना कोई सच्ची गारंटी दे सकती है और आपको तो मालूम है मेरे नौजवान दोस्तों कांग्रेस की वारंटी तो बहुत पहले ही एक्सपायर हो चुकी है जिसकी वारंटी एक्सपायर हो चुकी है उसकी गारंटी का मतलब क्या है जी